एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और कल मैंने शाम के टाइम एक वीडियो डाली थी तारा को लेकर, तारा राहुल को लेकर, कि तारा की जो डिलीवरी डेट थी वो 13 थी, लेकिन वो बोल रही थी कि उसको पेन वेन कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन 13 को 14 को डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसको वहाँ पर एडमिट कर लिया गया क्योंकि उसको लेबर पेन हल्के हल्के से स्टार्ट हो गए थे, और लेबर पेन के चलते उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसको बेबी बॉय लोग बोल रहे हैं, बेबी बॉय हुआ है, क्योंकि अभी हमें भी कंफर्म नहीं है कि बेबी बॉय हुआ है बेबी गर्ल हुई है, लेकिन ये बात पक्की है कि तारा की डिलीवरी हो गई है। 14 अगस्त को उसको एडमिट हो गया है, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय ऑल इंडियंस। और कल के दिन हुआ था तारा को राहुल ब्लॉग, राहुल और तारा पेरेंट्स बन चुके हैं। बहुत बहुत बड़े वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हो बेटा होने की। पक्का नहीं पता मुझे बेटा हुआ है बेटी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के अनुमान है जो वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हम तो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, वो हिमाचल में रहते हैं और हम यूपी में रहते हैं। लेकिन ये पक्का हो गया है कि तारा की डिलीवरी हो गई है। राहुल जो है वो अभी छुट्टी से आया था, कुछ दिन पहले छुट्टी उसने ली थी, इसी के चलते उन्हें छुट्टी इस टाइम ली थी ताकि उसकी जो वाइफ है उसकी डिलीवरी होनी थी। पूरे 7 महीने के बाद तारा राहुल जो है वो आए हैं, और राहुल जो है वो एक फौज में जॉब करते हैं, तो उनका फ़र्ज होता है पहले भारत माता और फिर अपने बाकी घर के काम। लेकिन तारा ने पूरा जो प्रेगनेंसी पीरियड था वो अकेले निकाला है बिना राहुल के। देखो बेशक सास ससुर कितने अच्छे होते हैं, लेकिन एक जो हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड के साथ जो हमारा एक रिलेशन होता है ना, जिसका सुख दुख की सारी बातें कर सकते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितने भी फौजी भाई होते हैं और जो उनकी वाइफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि 8-8, 9-9 महीने दूर रहना, एक दूसरे से नहीं मिलना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और इसी के चलते जो तारा है उसने अपना पूरा प्रेगनेंसी पीरियड निकाल दिया है बिना राहुल के। और लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि डिलीवरी टाइम पर राहुल उसके साथ है, उसके सपोर्ट में है। तो अगर उनका बेबी और वो दोनों स्वस्थ रहें, अच्छे से रहे, उनका ब्लॉग जल्दी ही आएगा, उसमें सबको मालूम चल जाएगा कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। आई होप कि और लोगों के लिए वो कंटेंट, जैसे और लोग कंटेंट बना देते हैं अपने बच्चे का, ये हुआ है ये हुआ है, बाद में फेस रिवील होगा ये होगा, ऐसा कुछ ना करें। बता दें पब्लिक को कि उनका बेबी कैसा है, तारा कैसी है। तो चलिए वेट करते हैं उनके वीडियो का। और एक बार फिर से बहुत बहुत बड़ा बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर तारा राहुल। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।